क्या आप भी ले रहे एल्युमिनियम फॉइल नामक धीमा जहर? हो जाइए सावधान। गर्म खाना किसे पसंद नहीं होता, और खाना गर्म रहे इसीलिए हम एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करना सेहत के लिए कितना खतरनाक है? अधिकतर ऑफिस जाने के लिए और घर से बाहर निकलते वक्त हम लंच पैक करने के लिए फॉइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई लोग घर में भी चपाती रखने के लिए फॉइल ही रखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फॉइल में सब्जी या चपाती रखने पर वह गर्म रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि फॉइल में मौजूद केमिकल खाने को दूषित भी कर सकते हैं, इसीलिए आइए जानते हैं एल्युमिनियम फॉइल में खाना रखना कितना सुरक्षित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ एंड साइंस के मुताबिक एल्युमिनियम में कई न्यूरोटॉक्सिक तत्व होते हैं। एल्युमिनियम का कश, शरीर में जाने के नुकसान। गर्म खाना एल्युमिनियम फॉइल में पैक करने या फॉइल में खाना पकाने से डेमेंशिया जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। एल्युमिनियम फॉइल में पैक खाना खाने से आप अल्जाइमर का भी शिकार हो सकते हैं। इस बीमारी में लोग चीजें भूलने लगते हैं। एल्युमिनियम फॉइल पेपर में रखा खाना खाने से पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या भी बढ़ सकती है। खाने में रोजाना एल्युमिनियम के इस्तेमाल से न सिर्फ हड्डियों का विकास रुक जाता है, बल्कि इससे किडनी की बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। खाने में एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल हानिकारक सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देता है, जिससे खाने में संक्रामक जीवों का विकास होने लगता है। इतना ही नहीं, खाने को पैक करने के लिए एल्युमिनियम फॉइल के इस्तेमाल से शरीर में हानिकारक तत्व एकत्र हो जाते हैं, जिससे अस्थमा, लिवर की समस्या और इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है। खाने को व्यवस्थित रखने के लिए एयरटाइट कंटेनर में पैक करें। इसका सबसे बड़ा फायदा है, इसमें हवा कहीं से भी नहीं अंदर जा सकेगी, साथ ही इससे भोजन से बैक्टीरिया भी दूर रहेंगे। इसीलिए एल्युमिनियम फॉइल के बजाय एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अतः यदि आप भी अपने घर में खाने को एल्युमिनियम फॉइल में ढककर अधिक समय तक रखते हैं या इसमें लपेटकर खाना पकाते हैं, तो सावधान हो जाएं, अगर छोड़ दें, वरना सेहत को काफी नुकसान हो सकता है।